रजा से बात हुई थी। मुझे नहीं लगता उसका आने का कोई इरादा है। तुम्हारे साथ जो जानवरों की तरह का सुलूक करता है वो करने दो उसे। हरगिज नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अगर ये सारी सिचुएशन उसके सामने क्लियर होती तो आज हालात डिफरेंट होते। आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक। गुड़िया की माँ उसको कहती है कि रजा मेरी कॉल नहीं उठा रहा, जबकि तुम्हारे बाबा ने कहा है कि उसे हर सूरत तुम्हारी और रमजान की एंगेजमेंट में होना चाहिए। गुड़िया कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस आएगा। तो उसकी मामा कहती हैं कि अगर वो वापस नहीं आया तो लशारी फैमिली के साथ जो हमारी डील है वो ख़राब हो जाएगी। तो गुड़िया कहती है कि आपको उसे पहले ही सारी सिचुएशन बतानी चाहिए थी कि हम उसे क्यों वापस बुला रहे हैं। ऐना अपनी स्टडी कर रही होती है तो उसकी कॉफ़ी ख़त्म हो जाती है। जब वो कॉफ़ी लेने किचन में जाती है तो वहाँ पे हमदान अपने लिए पास्ता बना रहा होता है। तो वो कहती है कि आप मुझे कह देते, मैं आपको कुछ खाने के लिए बना देती। तो कहता है कि नहीं, मैं खुद ही बहुत अच्छा पास्ता बनाता हूँ, तुमने आज तक ऐसा पास्ता नहीं खाया होगा। वो कहती है कि लाएँ मैं अंदर सॉस डाल देती हूँ। जब वो सॉस डाल रही होती है तो उसका हाथ जल जाता है, तन लगाता है। और उसके बाद वो दोनों मिलकर पास्ता खाते हैं। और वो सब बताती है कि मेरे अबू हमेशा मेरी साइड लेते थे और आयमा को डांटते थे कि तुम क्यों उसे तंग करती हो, मुझे हर चीज़ से डर लगता है, बिल्ली है, यहाँ तक कि बिल्ली से भी मुझे डर लगता है। तो बहुत हैरान होकर पूछता है कि तुम बिल्ली से भी डरती हो। आयमा के पप्पू आकर उससे पूछती हैं कि तुम्हें पता है कि उस्मान कब कहाँ है और कब तक घर वापस आएगा? तो आयमा कहती है कि मुझे नहीं मालूम। उस्मान रात को देर से घर आता है तो देखता है कि आयमा सो रही है और उस पर पानी का जग डालता है, कहता है कि तुम सो रही हो जबकि मैं अभी तक घर नहीं आया था। गुड़िया के पापा उसे कहते हैं कि तुम हमदान को बुला लो और दोनों वेडिंग प्लानर के साथ मिलकर अपनी एंगेजमेंट के लिए सेटअप सोच लो कि तुम लोग कैसा सेटअप चाहते हो। बाद आयमा की माँ उससे मिलने के लिए उसके घर आती है तो उसकी नंद कहती है कि तुम कितने दिनों बाद हमारे घर आई हो, तुम तो भूल ही गई, तुमने आखिर इस घर में अपनी बेटी भी आई है। कहती है कि मैं बेटियों के घर के रास्ते तो हमेशा याद रहते हैं, बस मैं हिम्मत जमा कर रही थी यहाँ पर आने के लिए। जब वो कहती है कि तुम मंदिर आओ, तुम्हारी बेटी तुम्हें देख कर बहुत खुश होगी। जब वो आयमा से मिलती है तो आयमा उसे देख कर खुश नहीं होती, ना ही उसके गले लगती है, और चाय लेने चले जाती है। जब वो चाय लेकर आती है तो पप्पो कहती है कि तुम बैठ कर अपनी अम्मी से बातें करो, मैं खाने का इंतज़ाम देख लूँगी। तो आयमा कहती है कि आपने अपनी दूसरी बेटी की सज़ा मुझे दी है, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत दिखाती हैं तो आज मेरे साथ ऐसे नहीं होता। वो आपकी बेटी की जुर्म की सज़ा हर रोज़ मुझे देता है, मुझे हर रोज़ इतनी अजियत देता है। आयमा की माँ कहती हैं कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। हम दानाना के लिए दूध और बादाम लाता है और कहता है कि जब तक मेरे पेपर्स हो रहे हैं तुम सिर्फ मैंने आने से इनकार कर दिया था, लेकिन वो कहता है कि मैंने आप सबको सरप्राइज़ देने के लिए ऐसा कहा था, मैं तो जल्द वापस आने वाला था। पर वो सब शॉपिंग पर चले जाते हैं, जहाँ पे हमदान को ऐना की कॉल आती है कि वो उसे यूनिवर्सिटी से पिक कर ले क्योंकि उसे कोई कैब नहीं मिल रही है। हमदान गुड़िया को बोलता है कि ऑफ़िस में बहुत ज़रूरी काम है, मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, बहुत अर्जेंट मीटिंग आ गई है, और ऐना को पिक करने चला जाता है। ऐना खराब हो जाता है और वो अपने बाबा को कॉल करके बोलती है कि आप हमदान को थोड़ी देर के लिए अगर मीटिंग में ना बुलाते तो कोई क्या होता था। तो कहता है कि बेटा ऑफ़िस में तो कोई मीटिंग नहीं है, मुझे नहीं पता हमदान कहाँ गया है, वो ऑफिस में तो नहीं आया। ये सोचकर